हर गाऊं मुबारक की बात मेवारी जाऊं रुखसत किया जाए। दरबारियों, जी हुजूर, तुम लोगों ने सुना राजन का हुक्म क्या है? जी हुजूर, इन कंचनियों को ले जाओ जी मालिक शाही खजाने से। जी मालिक, पांच पांच असरफी और साथ में एक एक बनारसी साड़ी देकर मान सम्मान के साथ राज
दरबार से इन्हें रुखसत किया जाए। हुजूर, जैसी महाराज की वाप की आज्ञा वैसा इन दरबारियों का काम। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज जी को आदाब मान सम्मान करते हुए चलिए। शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री गंगा सिंह, आज हम आपसे अपने उदयपुर रियासत के बारे में जानना चाहता हूं। मेरे रणवीर सम्राट, आपसे अपनी प्रजा के विषय में क्या जानना चाहते हैं महाराज? हम अवश्य बताएंगे। कोई तकलीफ हो तो कहो, नते आज तो सारी बतलाइए। है किसी को कोई तकलीफ हो तो महामंत्री गंगा सिंह। इस समय
हमारी उदयपुर रियासत के क्या समाचार हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। अरे जानवीर सम्राट, आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, हम अवश्य बताएंगे राजन, अवश्य बताएंगे। ठीक है, हम आपका इंतजार करते हैं। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से नगर हर तरह से नगर ये अपना खुशहाल है, प्रजा को कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। मेरे दानवीर सम्राट, आपके मुल्क में, आपके राज में आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। शाबाश महामंत्री गंगा सिंह, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप जैसे मंत्री अगर उदयपुर रियासत काबिल होंगे तो हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। कभी नहीं जानवीर सम्राट, जब तक हम आपकी प्रजा में कायम है, प्रजा के रक्षक है हम, तब तक आपकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हुजूर, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, तशरीफ रखो। सेनापति बाघ सिंह, हम आज आपकी सेना के बारे में जानना चाहते हैं, आपके पास कितने हाथी हैं और कितने घोड़े हैं और कितनी सेना इस समय आपके पास मौजूद है। पर्याप्त सेना हमारे पास मौजूद है, हमारे पास कोई कमी नहीं राजन। कोई कमी नहीं आपके पास? आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, दुश्मनों के ठिकानों पे सेना लगी। आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, दुश्मनों के सरहद में 24 घंटे तैनात रहती है। अगर कोई भी दुश्मन मेरे राज और दज की तरफ नजर उठा कर देखेगा तो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। सेनापति बाघ सिंह, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जैसे नौजवान अगर सीमा सरहद में तैनात रहेंगे तो किसी दुश्मन की औकात नहीं कि वो सीमा सरहद क्रॉस कर सके। मेरे दानवीर सम्राट, गुस्ताखी माफ, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो, साफ कहो। राजन, हमने सुना है
कि कनकपुर का राजा कनक सिंह जो आपका पुराना दुश्मन है वो आपके राज पे चढ़ाई कर रहा है और चढ़ाई के साथ साथ राजकुमारी पद्मा का डोला मार रहा है। महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक हम जिंदा हैं। ये बताओ सेना भजबाग सिंह तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारी सेना सीमा बॉर्डर पे सो रही है, तुम देश की रक्षा नहीं देश बर्बाद करने पे तुले हो। रात दरबार है, बकवास करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि राज दरबार है, सेना के रक्षक तुम हो, फिर भी तुम्हारी सेना कहां सो रही है? तुम्हारी भूल है मंत्री गंगा सिंह, हमारी सेना सीमा सरहद में 24 घंटे तैनात रहती है, कोई भी दुश्मन मेरे राज की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। मैंने कहा ठहरो, अगर तुम दोनों आपस में इसी तरह लड़ते झगड़ते रहोगे तो दुश्मन मौका पा करके और उदयपुर रियासत पर चढ़ाई कर लेगा। गुस्ताखी माफ हो राजन, हमने जैसा सुना वैसा आपसे बता दिया, अब आपके सेना पच जाने, इनकी सेना जाने और इनका काम जाने। सेना पर तुम चाहो, हम तुम्हें आदेश देते हैं अपनी सीमा सरहद पर जाकर कड़ा पहरा लगवा दो और अपनी सेना की सुरक्षा करो, ये मेरा आदेश है। ठीक है हुजूर, हम इसी वक्त सीमा सरहद पर जाएंगे। चरण जा रहा हूं महाराज। महामंत्री गंगा सिंह, आप जो है उदयपुर रियासत की देखभाल कायदे से करते रहना, जो कि दुश्मन आकर के और हमारे राज पे चढ़ाई ना करे। आप चिंता मत करें हुजूर, जब तक मंत्री गंगा सिंह कायम है तब तक आपकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, आप जाओ और प्रजा की देखभाल करो। मृदंग भी सम्राट, हम इस वक्त प्रजा की देखभाल के लिए जा रहे हैं और जब कभी मेरी जरूरत पड़े फौरन याद करना, हम दौड़ते हुए सीधे राज दरबार। Thank you.
आज राज्यसभा यहीं पे समाप्त होती है। जी हुजूर। जी हुजूर। उदयपुर रियासत का मेन गेट बंद कर दिया जाए। फजर होते ही जब दरबार लगेगा कोई फरियादी फरियाद लेकर के आएगा तो उसकी फरियाद जरूर सुनी जाएगी। महाराज जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही दरबारियों का काम। जल्द से आओ। ये बताओ तुमसे हम कुछ जानना चाहते हैं। हाँ बताओ। तुमसे हम कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? जानना ये चाहते हैं हाँ। कि आज तुमने भरे दरबार में क्या देखा और क्या नहीं देखा। यार देखें तो भैया लेकिन सुने नहीं यार। यानी सुने नहीं हो आ, देख लिए हो लेकिन सुने नहीं हो। अगर हमने देखा कि रात दरबार लगा हुआ था फिर? अपने महाराज जी अपने सिंहासन पे विराजमान थे तो? महाराज जी के दाहिने हाथ की तरफ प्रजा के रखवाले महामंत्री गंगा सिंह बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ? महाराज जी के बाई हाथ की ओर सेना के अफसर सेनापति बाग सिंह बैठे हुए थे। भरे दरबार में महाराज जी ने मंत्री गंगा सिंह से प्रजा के विषय में समाचार पूछे। उसके बाद सेनापति जी से बॉर्डर के विषय में समाचार पूछे। फिर क्या हुआ? दोनों लोग अपने अपने समाचार बताएं। उसके बाद महामंत्री गंगा सिंह खड़े हो गए और कहने लगे कि महाराज जी आपके लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात है। अफसोस की बात यह है कि अब कनकपुर का महाराज कनक सिंह आपके राज में चढ़ाई करने वाला है। फिर क्या हुआ? हुआ क्या यारो, कनक सिंह अपने महाराज जी के इस रियासत में उदयपुर राजधानी में चढ़ाई करने वाला है, इसलिए इंतजार कीजिए, मंत्री जी हमसे तुमसे कुछ मा कुछ जरूर बताएंगे। हमारे जाने के बाद हमारे जान से जाने के बाद
लाल दरबार में क्या बातें हो रही थी। हुजूर मालिक लंबरदार, आपके जाने के बाद हम लोग ऑफिस में बात कर रहे थे। ऑफिस में, ऑफिस आपस में क्या बातें हो रही थी हुजूर? क्या बातें? नमस्कार हुजूर, हुजूर लंबरदार, आपके जाने के बाद आपे के विषय में बात होत रही। आपके विषय में हम लोग बात कर रही थे, बात कर रही थे कि वो कनकपुर का महाराज ठाकुर कनक सिंह आपके इस राशि में चढ़ाई करने वाला है। क्यों नहीं? और हम लोग बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि भरे दरबार में सेनापति बाघ सिंह का काफी मान सम्मान हुआ। अरे बड़ी इज्जत भाई, भाई और काफी इज्जत भाई, और आपो लंबरदार वही ठाई जैसे आपा की इज्जत। हाँ, आपो मालिक वही ठाई बबूरे का हंस खूथ बैर रहे हो। क्या बोला, क्या बोला साले डर फूटा? क्या मुझसे बकवास करोगे, मुझसे बकवास करोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। क्या बोला साले? उल्टा सीधा बोलोगे ना तो इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा कि खोपड़ी में एक भी बाल नहीं रहेगा। मालिक आप इतना बिलौजम का है परेशान? जब बोलना नहीं आता तो मत बोलो। नहीं बोलूंगी। और अगर बकवास करोगे तो सालों जूता खाओगे। आखिर हमसे कौन सी गलती हो गई प्राणनाथ? चले, जब कहना नहीं आता बोलना नहीं आता तो मत बोलो। जितना हम पूछे उतना जवाब दो। सही सही हुजूर, आप क्या जानना चाहती हैं? चल, इस उदयपुर के अंदर ध्यान से सुनो मेरी बात। जी जी मालिक। आज से हमारी कहानी चालू होती है इस उदयपुर के अंदर। जी मालिक। सबसे खूबसूरत
सबसे खूबसूरत मरासा।